सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस, कोई मतलब कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ, लेकिन गाइस कॉम्बिनेशन आपको कुछ हटके बताने वाला हूँ। तो गाइस, वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस अवतार और बैनर के बारे में, ठीक है गाइस? आपको कैसा अवतार रखना चाहिए और कैसा बैनर रखना चाहिए जो गाइस एकदम प्रोफाइल लगे आपकी, ठीक है? और एकदम गाइस मतलब ओपी आपका अवतार बैनर लगे और आपका नेम भी जो एकदम खतरनाक तरीके से लगे, ठीक है? तो यही जो गाइस मैं आपके आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, अवतार कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? बैनर कॉम्बिनेशन और ये भी बता दूंगा गाइस आपको प्रोफाइल, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो होने वाली बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल भी है उस पर बिल्कुल सेट कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो फ्यूचर में आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो गाइज, अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बैनर के बारे में, ठीक है? तो गाइज, जैसे कि सारे बैनर है, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास कौन कौन से बैनर है, ठीक है? बैनर आपके पास भी बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो गाइज, बैनर ये मायने नहीं करता कि बैनर आपका ज़्यादा खूबसूरत होगा तो गाइज वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैनर ये करता है गाइस, मतलब ये होता है कि गाइस बैनर ऐसा होना चाहिए कि गाइस जो भी बैनर आप लगा रहे हो, जो आपका नेम है, ठीक है, जो आपका फ्री फायर नेम है, वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए उस बैनर में। जैसे ही गाइस ये नहीं कि भाई आप बैनर लगा रहे हो आपका नाम बिल्कुल ढक गया, ठीक है, बिल्कुल धुंधला हो गया, नहीं दिख रहा। मैं एक बैनर आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये बैनर देख लो गाइस, बैनर दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन गाइस इससे नाम पता नहीं चल रहा भाई बंदे का नाम क्या है, ठीक है? ये दिक्कत होती है भाई बैनर में, ठीक है? तो ये दिक्कत आपको मतलब इसको ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा आपको, नहीं तो गाइस आपका नेम जो है नहीं दिखेगा। जैसे कि देखो तो इस बैनर पे जो है गाइस नाम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है? तो ये बढ़िया बैनर है। तो गाइस इसी चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना होगा कि गाइस जो भी बैनर आपको ऐसा बैनर सिलेक्ट करना है कि गाइस आपका जो बैनर है वो आपका जो नेम है वो बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है? और गाइस मैं आपको बता दूँ, बैनर के साथ साथ आपको अवतार भी अच्छा रखना पड़ेगा। और गाइस जो हमारे पिन होते हैं इसको गाइस आपके पास कोई अच्छा पिन है तो वो लगा देना, ठीक है? तो गाइस मैं आपको बता दूँ आपको बैनर जो है किस तरीके से रखना है। तो गाइस बैनर आपको मैं ये बता दूं, बैनर आपको वो रखने जो ज़्यादा लाइटनिंग बैनर हो, ठीक है? जैसे कि मैं लाइटनिंग बैनर दिखा देता हूँ आपको कौन सा बढ़िया रहेगा, ठीक है? लाइटनिंग बैनर मतलब थोड़ा सा चमकीला बैनर होना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? जैसे कि मान लो ये है रखा, ठीक है, ये हीरोइक का बैनर है तो थोड़ा सा चमक रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट है तो ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा जो बैनर है आपको सिलेक्ट करके रखना है तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो इसी वजह से गाइस जो मैंने आपको बता दिया कि गाइस बैनर कैसा होना चाहिए जिसमें आपका नाम जो बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, बैनर ऐसा होना चाहिए जो खूबसूरत भी लग रहा है। अब गाइस जैसे कि मान लो अब जैसे ही गाइस हमने इसमें बैनर रख दिया तो अवतार भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस बहुत बंदे क्या करते हैं, अवतार जो उल्टे सीधे लगा देते हैं, जो फ्री में मिलता है वो लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अवतार हमेशा वो लगाना है, जैसे ही गाइस कोई आपके पास कोई रेयर अवतार है तो वो लगा लो और कोई अच्छा अवतार है तो वो लगा लो। लेकिन गाइस अगर आपके पास वो दोनों नहीं है तो आपको जो कोई करेक्टर का अवतार लगा लेना है, तो मैं आपको बता दूँ कौन सा करेक्टर का अवतार लगाना है। तो वो करेक्टर का गाइस होने वाला है आलोक का अवतार, ठीक है? अगर आपके पास आलोक का अवतार है तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है? जब आपके पास आलोक होगा तो अवतार भी होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो ये आपको करना है, ठीक है? जैसे गाइस मान लो मेरे पास ये रेयर वाला जो है गाइस देख सकते हो तो अवतार है, तो मैं इसको लगा देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? हिप बनी यानी कि गाइस ट्रैप लाइट पास का बैनर ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है, यानी कि अवतार जो हमारा ये ट्रैप लाइट पास का है, तो गाइस इसको जो है आपको लगा लेना है जो रेयर हो वो। जैसे गाइस आलोक का देख सकते हो, आलोक का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाइस अवतार भी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा रेयर होना चाहिए, ये भी थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, या तो फिर आप अपने करेक्टर का लगा सकते हो, ठीक है? वो ज़्यादा बढ़िया, जो करेक्टर आप यूज कर सकते हो वो करते हो वो आपको लगा लेना है, ठीक है? तो ये तो बात बता दी मैंने अवतार और बैनर की, अब आपको बता दूं आपको प्रोग्रेस मैनेज क्या करनी है इसमें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अलाइट पास अगर आप छोड़ते हो बीच में, मतलब आप ले रहे हो और अलाइट पास आपने छोड़ दिया, तो गाइस वो जो है गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है? बिल्कुल जैसे गाइस मेरे फ्रेंड के बहुत सारे मतलब वो हैं, ठीक है? जैसे गाइस जैसे तो मैं इसकी आईडी जो इंस्पेक्ट करूंगा तो ये भी बंदा मतलब ऐसे ही है थोड़ा बहुत, जैसे तो एक अलाइट पास ने लिया बाकी सब छोड़ दिए इसने। गाइस अगर आप मतलब बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं करना चाहते तो आपको जो है गाइस अलाइट पास तो ले लेना चाहिए, ठीक है? अगर आपको अपनी प्रोफाइल को या तो फिर एक भी मतलब, ठीक है, अगर आप अलाइट पास नहीं ले रहे हो तो क्या करना है गाइस आपको, आपको जो आपके बैचेस है जैसे कि मेरे 98 है तो गाइस आपको अगले ही बैचेस जो है 98 करने हैं, ठीक है? फिर उससे भी अगले 98 करने हैं अगर आप नहीं ले रहे हो तो। अगर आप ले रहे हो तो वो अलग बात है, ठीक है? अगर आप कर लो तो ये जो है आपको करना है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, तो ये जब आप करोगे तो। और गाइस बहुत बंदे क्या करते हैं गाइस अपने नेम की वजह से, नेम को क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन डाल देते हैं नेम में। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ गाइस, बहुत बंदे ऐसे होंगे जो डिज़ाइन डालते हैं नेम में वो बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते। जैसे गाइस जैसे तो ये देखो, ये आई एम बादशाह नाम है गाइस, जैसे तो इसमें जो डिज़ाइन डाला हुआ है ये इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, ये रेयर नहीं रहा, ये पहले रेयर था कि भाई डिज़ाइन है नाम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, ठीक है? वो राइस्टार रखता है वो अलग बात है भाई, उसकी
मतलब वो नहीं होगा, ठीक है, तो वो बड़ा बंदा है, ठीक है। तो गाइज ये आपको डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं डालना है अपने, तो नए मैप को ऐसा रखना है जैसे देखो। तो गाइज जैसे TMD फ्लैश है और बहुत वो होगा, ठीक है, जैसे DX हो गया और ये गाइज SG हो गया, TC हो गया, तो आपको जो है ऐसे रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप जो अपने नेम रखोगे तो आपकी प्रोफाइल एकदम ओपी रहेगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।